न्यूज़, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी में फिर बड़ा तनाव, अब अजित पवार नाना पटोले में हुई तीखी झड़प। महाविकास आघाड़ी के नेताओं में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और विरोधी पक्ष नेता अजित पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अजित पवार ने कोल्हापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब कांग्रेस बड़ा भाई नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अब महाविकास आघाड़ी का बड़ा भाई। नाना पटोले ने दिया जवाब। अजित पवार के इस बयान पर नाना पटोले ने करारा जवाब दिया है। नाना पटोले ने कहा कि हम जब बड़े थे तब भी हमने कभी घमंड नहीं किया। किसी को घमंड करना है तो वो उनका विचार है। कांग्रेस की विचारधारा घमंड की नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की है और उसी विचारधारा से कांग्रेस चलेगी। किसको क्या कहना है वो उनका अधिकार है। शरद पवार की हिदायत के बावजूद छिड़ी जुबानी जंग यहाँ महत्वपूर्ण है। ये कि एक और जहां शरद पवार ने कर्नाटक चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं की उनके निवास स्थान पर सिल्वर ओक पर 14 मई को बैठक बुलाई थी और इस बैठक में आगामी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीनों पार्टी के नेताओं को आपसी बयानबाजी से बचने और साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनाई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसके पहले संजय राउत और नाना पटोले में इसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए बयान दिए थे। संजय राउत और अजित पवार में भी किसी तरह जुबानी जंग चली थी। तब अजित पवार ने कहा था कौन संजय राउत और अब एक बार फिर नाना पटोले और अजित पवार आमने सामने खड़े हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2000 के नोट बदलने को लेकर किसी भ्रामक सूचना में न पड़े, SBI की अधिसूचना देखें। भारतीय स्टेट बैंक ने 2000 के नोट बदलवाने के लिए आम नागरिकों और अपने ग्राहकों के लिए खास सूचना जारी की है। इस सूचना में सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी बैंक SBI ने कहा है कि 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी भी तरह के पहचान पत्र दिखाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही किसी तरह का फॉर्म भरे जाने की जरूरत रहेगी। सिर्फ नियम यह रहेगा कि एक समय में एक व्यक्ति 10 नोटों को बदलवा सकता है। सरकार द्वारा 2000 के नोटों का चलन बंद किए जाने संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। इसी के बीच SBI द्वारा जारी की गई अधिसूचना ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। बाजार में चलन में 2000 की नोट 30 सितंबर तक वापस ली जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं 135 सीटों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि आखिर ऐसा क्यों बोले डीके शिवकुमार। कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बहुमत हासिल करते हुए BJP को सत्ता से बेदखल किया है। पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 224 में से 135 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार खुश नहीं है। उन्होंने रविवार यानी 21 मई को बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस को हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि अगले साल आम चुनाव है और उसमें बेहतर परिणाम का लक्ष्य होना चाहिए। शनिवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले डीके शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि विधानसभा चुनाव में हमने जो 135 सीटें हासिल की है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। हमारा ध्यान सही जगह पर होना चाहिए और वह आगामी आम चुनाव है। कांग्रेस को अब से हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और हम सभी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक जीत के साथ आलसी नहीं बनना। डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और एक जीत के साथ आलसी नहीं बनना है। बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं।
2019 के चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस और एचडी कुमार स्वामी की जनता दल सेक्युलर ने एक एक सीट जीत पाई थी। कांग्रेस ने बेंगलुरु ग्रामीण में जीत हासिल की थी, जबकि जेडीएस को हासन में जीत मिली थी। बीजेपी हार के कारणों पर करेगी पुनर्विचार। इस बार लिंगायत और अहिंदा वोटों के साथ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे में केवल 65 सीटें जीती, लेकिन पार्टी 36% वोट हासिल करने में कामयाब रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई ने चुनाव नतीजों के बाद कहा था कि पार्टी अपनी हार के कारणों पर पुनर्विचार करेगी और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले दोगुनी मेहनत करेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।